रहमतुल्लाहि व बरकातहू अज़ीज़ सुल्बा तालबात आप तमामी का बिरस इस्तकबाल है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे आओ उर्दू सीखें पैर बच्चों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये हमारे जो मकसद है उर्दू सीखने का जो मकसद हमने शुरू किया है उस मकसद का ये सबसे आखिरी सबक है इसके बाद हमारा जो ये जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा तो सबक नंबर साठ हम देखेंगे यहाँ पर एक नज्म दी हुई है उस नजम को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तमाम बच्चे जो है पूरी नजम को बगौर सुनना है और अपनी बयाज में उसको तहरीर करना है सबक का वनवान है बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़ बना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़ यहाँ पर देखेंगे पहला जो मिसरा है बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला तो एक एक तिनका इकट्ठा किया गया एक ही बार सूरज न डूब मगर रफ्त रफ्तः हवा है गुरूब हुआ है गरूब सॉरी बरसता जो मीना मूसला धार है सो ये नन्नी बूंदों की बौछार है दरख्तों के झुंड और जंगल घने यू पत्ते पत्ते से मिलकर बने हुए रेशे रेशे से बनकर हुए रेशे रेशे से बन और झाड़ बना जर्र जर्रे से मिलकर पहाड़ लगा दाने दाने से गले का ढेर बड़ा लम्हे लम्हे से बरसों का फेर लिखा लिखने वाले ने एक एक हर्फ हुई गड्डियाँ कितनी कागज की सर्फ हुई लिखते लिखते मुरतब किताब इसी पर एक है इसी पर हर एक है समझो हिसाब जौलाहे ने जोड़ा है एक एक तार हुए थान जिसके गज़ू से शुमार जवला कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को क्या किसको कहते हैं जवला कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को हर एक इल्म फन और करतब हुनर न था इब्तदाई से इस ढंग इस ढंग पर यूं ही बढ़ते बढ़ते तरक्की हुई जो नेज़ा है अब था वो पहले सुई अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम बड़े से बड़ा काम हुए तमाम तो प्यारे बहुत प्यारी नज्म थी कि किसी भी काम के जब हम शुरू करते हैं तो वो धीमे धीमे से वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है ऐसा नहीं कि शुरू करने से वो मंजिल को पा लेता है कामयाबी मिल जाती है कि कोई भी काम है वो शुरू शुरू यानी यहाँ बताया गया बना बन बना जर्रे ज़र्रे से मिलकर पहाड़ के पहाड़ जो बनता है वो जर्रे जर्रे से मिलकर बनता है डायरेक्ट पहाड़ नहीं बन जाता है समुंदर जो बनता है वो कतरे कतरे पानी से मिलकर बनता है तो इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है तो अज़ी सुलभ तलबात और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो पूरा होता है इन साठ बेजिक वीडियो के ज़रिए से इन हम बहुत जल्द हाँ अगर दिल पर लेंगे तो दो महीने के अंदर तमाम छोटे बच्चे पहली जमात के दूसरी जमात के या वो बच्चे जो जो जिनको पढ़ते नहीं आता है बड़ी क्लास में चले गए और उर्दू पढ़ते भी नहीं आता है इन शो महीने की मेहनत से वो बहुत आसानी के साथ में उर्दू ज़बान पढ़ना बोलना और लिखना सीख जाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा सबक नंबर साठ यहीं पर ख़त्म होता है आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अलकम वरहल व